अस्सलाम वालेकुम, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। नंगा पर्वत कमाल पहाड़ है और खूबसूरत पहाड़ है और एक ऐसा पहाड़ है जिसके दामन में खूबसूरत जंगल है। ऐसा नहीं होता, 8000 किसी भी उसके दामन में जंगल नहीं हुआ करते, लेकिन ये बहुत से हवालों से मुनफरद है। हुजम के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, बहुत मुनफरद है। इसके हवाले से जो कहानियाँ हैं वो बहुत मुनफरद हैं। इसके हवाले से जो माउंटेनियर्स की यको पैमाओं की कहानियाँ हैं वो कमाल हैं। किताबें जो इस पर लिखी गई हैं वो ज़बरदस्त हैं, जो फिल्में बनी हैं। सो नंगा पर्वत जो है वो नो डाउट पाकिस्तान का फ़ख्र है। नंगा पर्वत जो ताड़ साहब की किताब है उसके वाले से ताड़ साहब से गुफ्तगू का, उनसे सवालात का सिलसिला जारी है। ताड़ साहब, आपने लिखा है कि ये जंगल मुख्तलिफ था, ये जब से वजूद में आया तब से कोई लकड़ आरा यहाँ दाखिल नहीं हुआ था, यहाँ कुदरत का एक निज़ाम था जो अपने हिसाब से जारी सारी था। किसी भी 8000 के बुनियादों में या उसके यानी अब 14 8000 हैं तो किसी जगह पे भी आपको पाइन ट्रीज़ का या इतना घना जंगल किसी भी जगह पे नज़र नहीं आता। जनरली आपको किसी भी 8000 के पास जाने के लिए एक बहुत ही तवील सफ़र तय करना पड़ता है और आप ऑलरेडी किसी खास एल्टीट्यूड पे होते हैं। ये दुनिया का वाहिद पहाड़ है नंगा पर्वत, इतना अजीम इतना खूबसूरत पहाड़ है कि इसके दामन में इतना खूबसूरत जंगल है। ये हमारा बहुत बड़ा सासा है और ये सिर्फ हमारा बहुत बड़ा सासा नहीं बल्कि मैं तो समझता हूँ ये पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा सासा है। हम कोई हसास नहीं है इस हवाले से, ये जंगल जो है वो तार साहब आपके इल्म ही होगा कि अब काफ़ी जो है ख़तरे की जद में। वो यही है कि भाई बुनियादी तौर पर वो जंगल जो है, इसलिए मैंने कहा है, हमारे दोस्त हैं सलाहुद्दीन महमूद जी, तो फौत हो चुके हैं, तो वो हमें समझ नहीं आती थी। उनका एक फिक्रा हुआ करता था कि सकाफती तौर पर अमीर वो कौमें होती हैं जिनके यहाँ आबाई जंगल होते हैं। अच्छा, अब उनके साथ वो आबाई जंगल का बड़ा के जनाब घने दरख्त हों, शजर हों, और उसमें पता नहीं वो एक ख़ास नेचर जो उतरती है उसमें, उसमें जो भेद होते हैं, जो मिस्ट्री होती है। तो फिर मेडो का वो जंगल, मेरा ख्याल है कि जब से वो आबाद हुआ है, जब तख्लीक हुआ है, जब भी कायनात के बाद जब उसकी बारी आई, तो तब से लेके तकरीबन अब तक वो जूं का तूं था। एक तो उसके ज़्यादा लोग अंदर नहीं जाते थे, सासों वाले जाते, चंद एक गिड़ैये चले गए और वो अपने काम के लिए जो गिरे हुए दरख्त हैं उनकी लकड़ी उठा लाते थे। उसके अलावा जो घास थी वो उसी तरह उगती चली जा रही है, जो नदियाँ हैं छोटी छोटी वो उसी तरह बहती चली जा रही हैं, जो पत्थर यहाँ था आज से 1000 साल पहले वो वहीं पड़ा हुआ है, उसके ऊपर काई जो जमी हुई है वो 1000 साल की काई जमी हुई है। चुनाचे अजीब व गरीब शेप्स हैं उस सारी थी उसके अंदर जब आप चलते थे, क्योंकि वो मतलब काई जमी हुई है, बारिशों के पानी हैं और कहीं पे बर्फ़ें भी जब वहाँ पे गिरती हैं और फिर वो गिरते हैं और वो जो शजर गिरते हैं फिर वो गल जाते हैं और गल जाते हैं तो उनमें से नए पौधे फूट रहे हैं जी। वो नए शजर फूट रहे हैं, तो मतलब जिसको मैं फेरी लैंड कहता हूँ ना, फेरी मेडो दरअसल फेरी लैंड जो है वो उसका जंगल हुआ करता था। और उसमें लकड़ी इतनी आम थी वकार कि बाद में जिसको मैं प्रिंस ऑफ फेरी मेडो कहता हूँ, रहमत नबी मेरा दोस्त बना, तो वो ही ख्वाहिश जो मैं मेरी बेगम कह दी कि 8-10 जगह तो तुम अपने ज़ाती मकान बना चुके, अब मरीज क्या कर, तो जहाँ जाते हैं ख्वाहिश होती है कि यार ये अगर शमशाल में एक छोटा सी कोठरी होती ना तो ऐसा बड़ा मज़ा आता यहाँ ज़िंदगी गुजारने के, या खपरू में एक घर होता वो बांस का बना हुआ और ऊपर उसमें कुर्बानियाँ होती हैं और नीचे से एक बर्फानी नरबूज होता है, तो इसी तरह ही ना वह फेरी मेडो को तो शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। तो मुझे अब तक याद कि रहमत नबी कहने लगा कि डॉक्टर साहब अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज़मीन मेरी उसका कोई चार्ज नहीं, ठीक है, तो आप कितना बड़ा घर जाते हैं। मैंने कहा मैं घर नहीं जाता, एक हट चाहता हूँ और उसमें सिर्फ ये हो कि भाई एक कमरा हो जिसमें बैठा जाए, उसमें बेशक सो जाए एक छोटा सा और पढ़ने लिखने के लिए, और मंजर हो उसकी खिड़कियाँ हो लकड़ी का बना हो। तो उसने एस्टीमेट लगाया तो कहने लगा ये 22,000 में बन जाएगा।
मैंने कहा अहमद अभी 22,000 में किस तरह कहने का, जमीन मेरी बहुत सारी पड़ी हुई है उसमें से 5 मरले के ऊपर आप हट बना लेंगे तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, दूसरा लकड़ी की कोई कीमत नहीं, लकड़ी यहाँ पे फेरी मेडों में पड़ी हुई, यानी यू कुड टेक इट, क्योंकि उसको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं ना किया जा सकता था, नीचे गिलगित तक तो लाया नहीं जा सकता, सड़क नहीं थी, और मतलब गधे के ऊपर भी आप लकड़ी लाद के तो बॉर्डर के साथ थोड़ी लाएंगे, तो वो लकड़ी पड़ी हुई थी डेड ट्री। और उसने कहा कि बाकी ये जो मैं 20,000 कह रहा हूँ, ये जो उसकी बनाएगा जी, ये उसकी मजदूरी है या कोई कील कांटे लेना थे, मतलब इस तरह वहाँ पे लकड़ी जो थी आम थी। उसके बाद जाहिर है कि ब्रिगेडियर असलम ने वहाँ पे जो जंगल खरीदा वो गवर्नमेंट से ही खरीदा उनके अप्रूवल से, और उनका कोई अपना सिस्टम होगा कि कौन सा दरख्त काटना है या नहीं काटना, लेकिन ये है कि भाई वो एक नेशनल एक एसेट है, जिस तरह अफ्रीका में अपने अमेरिका में जो आपके नेशनल पार्क्स हैं, आप एक भी दरख्त उसमें से नहीं काट सकते, एक भी नहीं काट सकते, वो नेशनल वो मॉन्यूमेंट्स जिस तरह PTDC वाले मॉन्यूमेंट हैं उनको ढा रहे हैं, इसी तरह इन जंगलों को ढा रहे हैं। तो आपको याद आ गया जब हम गए थे हरामोश तो किस तरह उनके कटे हुए तने पड़े हुए थे दरख्तों के, जंगल काफ़ी जो जगह थी वो बिल्कुल गंजी हो चुकी थी। तो ये तो मतलब सियासतदान हैं जिनके फैसले हैं, उन जो महकमा जंगलात वाले हैं जो पावरफुल लोग हैं, हम तो ऐसे ही मातम करने वालों में है ना। मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता ना ही परेशान करना चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअली हरामोश में अभी भी यही सूरत हाल है, इस तरह जंगल कट रहे हैं, इसी तरह सारा मामला है, पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है, बहुत सारी जो जगह हैं यहाँ पे जहाँ पे हमने कहा था कि दरख्तों की ऐसे लगता है हरामोश में जैसे लाशें पड़ी हुई हैं, तो वो तो खैर सर दार साहब आपने फर्स्ट टाइम गए हैं फेरी मेडोज़ में, अभी तक कन्फ्यूज़ हूँ कि एक्चुअली आपने कैंप किस जगह पे किया, क्योंकि आपने काम का काफ़ी अहवाल दिया है अपनी किताब में। एक तो जो हट बनाया है रहमत नबी ने आपके नाम से, जो मुस्तनसर से एक हरमन बोल के नाम से है, एक आपके नाम से है, और आगे कोई पत्थर सा भी पड़ा हुआ है जिसके बारे में रहमत नबी ने मुझे बताया था कि यहाँ पे आप इस पत्थर पे बैठे रहा करते थे। तो ये जो अब भी मौजूदा फेरी मेडोज़ में जो हट आपके नाम से है, तो तकरीबन यही वो जगह बनती है जहाँ आपने पहली दफ़ा कैंप किया था? नहीं, एक्चुअली मैंने जब उन्होंने वो नीचे, आपको याद है कि भाई वो थोड़ा सा पॉन्ड्स आया उसमें फेरी मेडो में, जितनी तस्वीरें हैं सुबह के वक्त सारे लोग वहाँ से लेते हैं क्योंकि एक्सपर्ट ऑफ द नांगा पर्वत का, और वो बड़ी ज़बरदस्त जगह है वहाँ पे। तो मुझे उन्होंने कहा कि, मैंने कहा भाई यहाँ से तो पूरा मंजर नज़र नहीं आ रहा, तो कहीं और लगाते हैं। तो मैं इधर उधर भागता फिरा, बड़ी एनर्जी आ गई उसको देख के फेरी मेडो को। तो वो सबसे बुलंद रिज जो थी वहाँ पे जाके तो पूरा सामने अपना रायकोट ग्लेशियर भी, मैंने कहा यहाँ से, वो कहने लगे जी रात को आपकी कुल्फी जम जाएगी, ये इतनी तेज़ हवा आती है उधर से नांगा पर्वत से। मैं कहा जम जाए, नांगा पर्वत देख के जमेगी ना, हमें कोई परवाह नहीं। वहाँ पे मैंने टेंट लगाया, तो वो बड़ा अरसा उन्होंने प्रिजर्व की, बहुत सारे लोग जाके वहाँ पे देखते भी हैं। वहाँ पे एक लेक को भी रहमत नबी और उसके सारे ने वो उसको ब्रांड किया एज तार लेक, और कई नक्शों में भी वो। उसके बाद मुझे नहीं मालूम, मुझे रहमत नबी ने बहुत मरतबा कहा कि आप आएँ तो हम उसका इफ्तिताह कर देते हैं, उसके ऊपर वहाँ पे कुछ लगा देते हैं, लेकिन बहरहाल मैं जा नहीं सका। अब हालात और चुके और हो चुके, एक तो वो जनरेशन के साथ मेरी दोस्ती थी जो जानते थे कि उन वक्तों में वहाँ पर कोई भी नहीं आता था जब मैं गया हूँ, वो मेरी कदर ज़्यादा करते थे। जो अब उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन है वो जानते तो मुझे हैं, क्योंकि हर शख्स मेरे बारे में पूछता है जब वहाँ पे जाता है कि जी तार साहब कहाँ गए थे, कहाँ बैठे थे, लेकिन उनके जाहिर है कि दिल में वो नहीं है। दूसरा ये है कि चीज़ों की कीमत ज़्यादा हो गई। अब वो ये है कि वो लेक में, मतलब कईयों को ये होता है कि शायद ये अपने नाम रख के पता नहीं अपने नाम ही कर लें, वो जो है अपना आगे जाएं, हर जगह वो बाड़ें लगी हुई हैं और मतलब वो मंजर जो है सारे वो मजरू हो रहे हैं। तो सूरत हाल बदल चुकी है। बहुत शुक्रिया तार साहब, आपसे बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू रही नांगा पर्वत के हवाले से, और नांगा पर्वत तो बस एक सेंट्रल एक एक मौजू गुफ्तगू है, अदरवाइज़ हम तो हर तरफ निकल जाते हैं। तो
बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए निकले तरीके लाल।